सुहागरात पर दूध पिलाने की परंपरा के पीछे छुपा ऐसा राज जिसे अभी तक कोई लड़का नहीं जानता। भारत में शादी की पहली रात यानी सुहागरात में शादीशुदा जोड़ों को दूध पिलाने की एक परंपरा होती है। वैसे हिंदू धर्म में शादी में कई सारी परंपराएं होती हैं, लेकिन एक दूध पिलाने वाली परंपरा को लोग बताने से भी शर्मा करते हैं। इस परंपरा के अनुसार शादी रात नई दुल्हन अपने दूल्हे के लिए केसर और बादाम मिलाकर दूध पीने को देती हैं। हालांकि वैसे तो बताया जाता है कि नवविवाह जोड़े संबंध गहरे और यादगार बने रहें उसके लिए दूध पीना जरूरी होता है, लेकिन इसके पीछे का एक कुछ वैज्ञानिक कारण भी छुपा है जिसका राज जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए क्या होता है दूध पिलाने से। हार्मोन में सुधार दूध से नवविवाह जोड़े में सुहागरात में मौजूद प्रोटीन की मदद से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक दो सेक्स हार्मोन भी बनते हैं। इसलिए दूल्हे को दूध और बादाम का प्रोटीन से भरा मिश्रण दिया जाता है। यौन सक्रियता बढ़ाए यदि दूध में केसर या शिलाजीत आदि मिलाकर पिया जाए तो पुरुष के लिए सेक्स पावर बढ़ाने में फायदेमंद होता है। इम्यूनिटी और पाचन बढ़ाए। आयुर्वेद के अनुसार दूध शरीर के प्रजनन ऊतकों को ऊर्जा देता है, साथ ही दूध दिमाग तेज बनाता है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है और पाचन क्रिया दुरुस्त रखता है और शरीर द्वारा शोषित हो जाता है जिससे रात को आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। शरीर में फुर्ती बढ़ाने में मददगार। सुहागरात में नवजोड़े के लिए फुर्ती होना बहुत जरूरी होता है जिसके लिए दूध काफी मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट आपकी किडनी और ब्रेन के कार्य को और गतिशील बना देते हैं। सेक्स के लिए मूड बनाने में दूध में विटामिन डी भी पाया जाता है जो कि दिमाग में सेरोटोनिन नामक हार्मोन पैदा करने में मदद करता है। इससे मूड तो अच्छा होता ही है, साथ ही भूख और नींद भी लगती है। साथ ही यह डिप्रेशन और थकान को भी दूर करता है।